Hi guys, what's up? Guys, you are watching Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम हमने रखा है एसेंशियल 40. एसेंशियल 40 इसलिए बिकॉज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे 40 वेरी इंपॉर्टेंट हाईली क्रिटिकल सुपर एसेंशियल ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस. हर एक नेम रिएक्शन पे एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करा जाएगा जिस वीडियो में हम उस नेम रिएक्शन के सारे एस्पेक्ट्स अलोंग विद इट्स डिटेल्ड मैकेनिज्म कवर करेंगे. स्टूडेंट्स, इसी रेस्पेक्ट में आज अपलोड करा जा रहा है ये पहला वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं, विच इज एल्डोल कंडेंसेशन. सो गाइस, सबसे पहले इस एल्डोल कंडेंसेशन की थ्योरी मेंशन कर लीजिए, उसके बाद बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी मैं आपको ये रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में समझाता हूं. सो गाइस, जस्ट नोट इट डाउन ओवर अ नोटबुक. मैं थ्योरी बोल रहा हूं आपके सामने. व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन आर ट्रीटेड विद सम डाइल्यूट एल्कली, देन इनिशियली a molecule of aldol is obtained which when heated to about 400 Kelvin undergo an alpha beta dehydration resulting in the formation of alpha beta unsaturated carbonyl compound. So students, let's start with this reaction now. Yaad rakhiyega students, aldol condensation mein hum two molecules of such a carbonyl compound लेते हैं aldol condensation में. आप aldehyde या ketone दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, but the condition is that कि two molecules of such a carbonyl compound has to be taken which contain at least वन अल्फा हाइड्रोजन. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन आप कह सकते हो. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन कि एल्डोल कंडेंसेशन में कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं लिया जा सकता. इनफैक्ट एल्डोल कंडेंसेशन इज एप्लीकेबल ओवर ओनली सच कार्बोनाइल कंपाउंड्स, सच एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हिच एसेंशियली कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके हमें दो मोल्स लेने होते हैं. जैसे एक एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, CH3CHO, दिस इज इथेनल, कॉमनली कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड. सबसे पहले तो गाइस ये चेक करिए कि क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है. एंड यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं मालूम, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे इस केस में द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, उस फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं. एक होता है फंक्शनल ग्रुप का अपना कार्बन. फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इज नॉट द अल्फा कार्बन, बल्कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन. सो इन दिस केस दिस मिथाइल इज अल्फा, और इस कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं. तो आप देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड या इथेनल के अंदर तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है. हमारी रिक्वायरमेंट है कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना. तो गाइस, हम एसिटाल्डिहाइड के ऊपर ये रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे. सो जब हम एसिटाल्डिहाइड के दो मोल्स लेते हैं, CH3CHO प्लस CH3CHO, और इसे हम किसी डाइल्यूट एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं. डाइल्यूट एल्कली में आप NaOH और KOH कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स. तो जब हम दो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, और जब हम उन्हें डाइल्यूट एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं, तो इनिशियली अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्डोल इज ऑब्टेन. अब ये एल्डोल क्या चीज होती है वो ध्यान से देखिए. ऑल्दो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं प्रोडक्ट एनालाइज करने का. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखिए, क्या हम इस CH3CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं?
CH3CHO. सो ऑन द प्रोडक्ट साइड हम ये जो पहला मॉलिक्यूल है ना ये बिल्कुल एज इट इज लिख लेंगे CH3CHO. जो पहला मॉलिक्यूल आपने एल्डिहाइड कीटोन का लिया है उसे बिल्कुल एज इट इज लिख लेना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने. अब इस पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ, ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसके ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे करके लिखना है. ये दूसरा मॉलिक्यूल भी हम इससे आगे एज इट इज लिखेंगे लेकिन इस दूसरे मॉलिक्यूल का एक H पीछे कर देंगे. तो देखिए HCH2CHO और पहले वाले का ऑक्सीजन और दूसरे वाले का हाइड्रोजन हम ब्रैकेट में कर देंगे. एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट क्या है कि आपने पहला मॉलिक्यूल एज इट इज लिखा CH3CHO और इस पहले वाले मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के साथ, इस पहले वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ सेकेंड मॉलिक्यूल, ऐसा ही जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे कर देना है. अल्फा हाइड्रोजन पीछे कर दिया और जब CH3 में से एक H पीछे कर दोगे तो आगे बचेगा CH2CHO. तो याद रखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट ये है कि दोनों मॉलिक्यूल आपको एक के आगे एक लिखने हैं बट पहले वाले का ऑक्सीजन और दूसरे वाले का हाइड्रोजन पीछे करके ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना है. एंड यू नो द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH, इसके आगे ब्रैकेट में OH लगा हुआ है मतलब ये ब्रांचिंग में OH है, देन CH2CHO. और इस मॉलिक्यूल को बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल में आपको दो फंक्शनल ग्रुप्स नजर आएंगे, एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बराबर ये अल्फा कार्बन, फिर ये बीटा कार्बन और बीटा पे लगा हुआ है OH. सो दिस इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये एक तरह का बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया और इसी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम बोलते हैं एल्डोल. एल्डोल इज अ कॉम्बिनेशन फॉर एल्डिहाइड एंड अल्कोहल. इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है और अल्कोहलिक ग्रुप भी आ रहा है तो एल्डिहाइड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन को एल्डोल बोलते हैं. और स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, एल्डोल इज अ जनरल नेम गिवन टू ऑल सच टाइप ऑफ रिएक्शंस. यहां तो हमने एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, अगर हम कीटोन के दो मॉलिक्यूल लेते तो जैसे ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है वैसे ही हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता बट उसे भी हम बोलते एल्डोल ही. एल्डोल में चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, बेसिकली एल्डोल का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्कोहल का होना. वो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो कीटोन भी हो सकता है. सो गाइस, अभी मैं आपको कीटोन का भी एग्जांपल दूंगा लेकिन पहले इस रिएक्शन को दोबारा से देखिए. अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. मैंने आपको बताया कि एल्डोल कंडेंसेशन में हमें दो ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है. सो इनिशियली वी टुक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और जब हम उसे डाइल्यूट एल्कली से रिएक्ट करवाएंगे तो एल्डोल बनेगा. और इस एल्डोल बनाने का शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया कि आपने जो भी दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स लिए हैं उनमें से पहला मॉलिक्यूल तो आपको एज इट इज लिखना है CH3CHO और पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे करके ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना है. और जब दूसरे मॉलिक्यूल का एक H पीछे एनक्लोज कर दोगे तो आगे बचेगा CH2CHO. सो ये याद रखिए, ये बन जाएगा एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डोल. और फाइनली स्टूडेंट्स, हम इस एल्डोल को 400 केल्विन पे हीट करेंगे. तो जब हम इसे 400 केल्विन पे हीट करते हैं तो अल्फा बीटा पे से डिहाइड्रेशन होती है. ये जो अल्फा कार्बन एटम है इस पे से एक एच निकल जाएगा और बीटा पे से ये पूरा OH निकल जाएगा. अगर यहां से H और यहां से OH एलिमिनेट होता है तो अल्फा और बीटा आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे एंड दिस विल बिकम CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO. एंड यू कैन सी गाइज, दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. तो ये याद रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. यहां पे ये कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अल्फा बीटा कार्बन पे अनसेचुरेशन है. और अगर हम कीटोन के दो एग्जांपल्स लेके स्टार्ट करते तो कीटोन के अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन नजर आती. सो स्टूडेंट्स, अभी हम और एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे लेकिन एक बार फिर से सुनिए, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया. जो भी आप दो मॉलिक्यूल्स लेंगे एल्डिहाइड कीटोन के और जब आप उन्हें डाइल्यूट एल्कली से रिएक्ट करवाएंगे तो ऑन द प्रोडक्ट साइड पहला मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, उसका ओ फेसिंग सामने की तरफ
और पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। ऐसा करने से आपको एक एल्डोल मिलेगा, एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और उस एल्डोल को जब हम 400 केल्विन पे हीट करते हैं तो इट अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बनने वाले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हाइली स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। देखिए इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगा गाइस, वो ध्यान से देखिए। देखिए इस मॉलिक्यूल को हम यहां पे एक्सपैंड करके ऐसे लिख रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O, एंड विद इन दिस मॉलिक्यूल यू कैन सी कि अगर ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाता है तो ये यहां से यहां चला जाएगा, तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा CH3CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। सो आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि रेजोनेंस हर उस जगह पे होता है जहां पे अ पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनदर पाई बॉन्ड, यानी कि डबल सिंगल डबल, दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो रहे हो, इसे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। एंड वेन एवर अ पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद अनदर पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस होता है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज हाईली स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स इसका एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उस एग्जांपल के बाद फिर हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ये जो पहला एग्जांपल बच्चों मैंने आपको करवाया, दिस वॉज ओवर एन एल्डिहाइड, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल था। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कीटोन पर किस तरह से प्रोसीड करता है। अगेन लेट अस कंसीडर वन सच कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3, दिस इज प्रोपेनोन। अब बच्चों बताइए क्या हम प्रोपेनोन ले सकते हैं? लिमिटेशन यह है कि हमें ऐसे दो मॉलिक्यूल लेने हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, तो क्या प्रोपेनोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है? तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर, तीन अल्फा हाइड्रोजन इधर, छह अल्फा हाइड्रोजन है। हमारी रिक्वायरमेंट तो स्टूडेंट सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन की है, तो डेफिनेटली हम ये ले सकते हैं। तो लेट अस टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कीटोन और जब हम इसे डाइल्यूट एल्कली से रिएक्ट करवाएंगे, एनी डाइल्यूट एल्कली दैट कैन बी NaOH और KOH, तो मैंने स्टूडेंट्स शॉर्टकट क्या बताया आपको, मैंने आपको शॉर्टकट ये बताया कि प्रोडक्ट की तरफ पहला मॉलिक्यूल एज इट इज लिख लेंगे, बस इतना है कि उसका जो O है ना वो सामने की तरफ फेस करके बनाना है, सामने की तरफ फेसिंग बनाना है। जैसे CH3COCH3 को स्टूडेंट्स क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3COCH3, ये कीटोन ही है, इसमें C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, बट हमें वो डबल बॉन्ड यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज प्रोपेनोन। तो पहला मॉलिक्यूल तो हमने ऐसे लिख लिया, उसका O सामने की तरफ फेस करता हुआ। अब इस पहले मॉलिक्यूल के साथ सेकेंड मॉलिक्यूल का एक अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे करके इस ऑक्सीजन के साथ ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। तो देखिए दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन मैंने पीछे एनक्लोज कर दिया और आगे क्या बचा, CH2COCH3। और गाइस मैंने आपको बताया इस ब्रैकेट वाले पोर्शन का मतलब होता है कि ये पिछले कार्बन के नीचे ब्रांचिंग में लगा हुआ है, तो हम इसे एक्सपैंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस कार्बन पे OH ब्रांचिंग में, देन CH2COCH3। और स्टूडेंट्स देखिए इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा बोलेंगे, अल्फा के एडजेसेंट को बीटा बोलेंगे, और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस अल्फा बीटा कंपाउंड को, इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को 400 केल्विन पे हीट करता हूं, तो अपॉन हीटिंग टू 400 केल्विन दिस विल अंडरगो द अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन, अल्फा पे से एच निकलेगा, बीटा पे से OH निकलेगा और ये बन जाएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिला है। और इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का नाम क्या होगा गाइस, दिस इज 1 2
3, 4, 5 पांच कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसका नाम देंगे 4-methyl-pent-3-ene-2-one. दिस इज 4-methyl-pent-3-ene-2-one. 4-methyl-pent-3-ene-2-one. और याद रखिए स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज मैसिटाइल ऑक्साइड. मैसिटाइल ऑक्साइड. सो कॉमन नेम्स भी रेलेवेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा. जब हम दो प्रोपेनोन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं और डाइल्यूट एल्कली से रिएक्ट करवाते हैं, तो इनिशियली हमें एक एल्डोल मिलता है, एंड व्हेन दैट एल्डोल इज हीटेड टू अबाउट 400 केल्विन, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है 4-methyl-pent-3-ene-2-one, दैट इज कॉमनली नोन एज मैसिटाइल ऑक्साइड. सो गाइज, आई सपोज कि आप सब लोगों को शॉर्टकट समझ में आया होगा, बट एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल बिफोर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म. मैंने आपको बताया कि हमें दो ऐसे मॉलिक्यूल्स लेने हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो. तो देख के बताइए स्टूडेंट्स, क्या हम CH3CH2CHO, दिस इज प्रोपेनल, क्या हम प्रोपेनल के दो मोल्स ले सकते हैं CH3CH2CHO? देखिए स्टूडेंट्स, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और क्या इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है? तो यस, अल्फा कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली हम ये मॉलिक्यूल यहां पे ले सकते हैं. तो देखिए क्या करा जाएगा, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट NaOH और KOH, तो मैंने शॉर्टकट क्या बताया, पहला मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज, इसका O सामने की तरफ ऑलरेडी फेसिंग है, तो बिल्कुल एज इट इज आप ऑन द प्रोडक्ट साइड लिख लीजिए CH3CH2CHO. नाउ केयरफुल गाइज, यहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा. मैंने आपको बताया कि पहला मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज, और पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन लेना है, बट माइंड इट गाइज, अल्फा हाइड्रोजन. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज उठा के लिख देते हैं और इसका एक ये वाला एच पीछे ले लेते हैं. याद रखिए गाइज, ये कार्बन बीटा कार्बन है, हमें अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ब्रैकेट में एनक्लोज करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पीछे मिथाइल आपको दिख रहा है, इस मिथाइल को हम ऐसे नीचे बेंड करके लिख सकते हैं, सो दैट ये अल्फा कार्बन इसका एच पीछे लिखा जा सके. तो आप देखिए, इसका एच पीछे लिखेंगे और रिमेनिंग मॉलिक्यूल क्या बचा, CH CH3 CHO. सो आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू यू कि पहला मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज लिखना है, और पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ब्रैकेट में एनक्लोज करना है. ये मत सोचेगा जो भी सबसे पीछे वाला कार्बन हाइड्रोजन है उसी का एच पीछे कर दिया. पीछे ये जैसे इस केस में बीटा कार्बन था, तो बीटा कार्बन को हमने पहले नीचे बेंड करा ताकि हम अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को पीछे एनक्लोज करके दिखा सकें. ये मॉलिक्यूल बना एल्डोल, इसे आप चाहो तो ओपन करके ऐसे भी दिखा सकते हो, CH3CH2CHOH CH CH3 CHO. और फाइनली जब हम इस मॉलिक्यूल को 400 केल्विन पे हीट करेंगे, तो अपॉन हीटिंग देखिए मार्क करते हैं इसमें अल्फा बीटा कार्बन कौन से हैं. ये फंक्शनल ग्रुप है हायर प्रायोरिटी का, इस हायर प्रायोरिटी के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा कार्बन पे से ये एच निकलेगा और बीटा कार्बन पे से ये पूरा ओ एच निकल जाएगा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हो जाएगी एंड द मॉलिक्यूल विल कम CH3CH2CH CH3CHO. एंड इन दिस केस गाइज, मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस इज 2-methyl-pent-2-ene-al. दिस इज 2-methyl-pent-2-ene-al. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज एल्डोल कंडेंसेशन. एक बार फिर से सुनिए, एल्डोल कंडेंसेशन कंडक्ट करते वक्त आपको दो ऐसे मॉलिक्यूल लेने हैं एल्डिहाइड या कीटोन के, जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए. और जब आप उन दो मॉलिक्यूल्स को किसी डाइल्यूट एल्कली में, आप NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं, जब उनसे रिएक्ट करवाते हैं, तो बीच में एक एल्डोल बनता है. एल्डोल बनाने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि जो भी आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसका पहला मॉलिक्यूल एज इट इज लिखेंगे, उसका ओ सामने की तरफ फेस करता हुआ,
और पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले का एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। ऐसा करने से एल्डोल बनेगा। इस एल्डोल को जब हम 400 केल्विन के आसपास हीट करते हैं तो ये अल्फा बीटा पे से डिहाइड्रेशन अंडरगो करता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स मैकेनिज्म। अभी तक तो गाइस हमने शॉर्टकट देखा, अब हम देखते हैं इस रिएक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए मैकेनिज्म के लिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको लिया था इथेनॉल के ऊपर एल्डोल कंडेंसेशन, वही वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस अरेज दिस हेडिंग, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं एल्डोल कंडेंसेशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में कंडेंसेशन हर उस रिएक्शन में लगाया जाएगा, या जिस भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप कंडेंसेशन नाम देखो ना, तो कंडेंसेशन का मतलब है द रिमूवल ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर। तो जिन रिएक्शंस में वाटर का लॉस होता है उन्हें हम कंडेंसेशन बोलते हैं। यहां पे क्योंकि पहले एल्डोल बना और फिर एल्डोल को हीट करने पे उसके अंदर से वाटर लूज हुआ, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल का कंडेंसेशन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था CH3CHO के दो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल, इसको जब हमने डाइल्यूट एल्कली से रिएक्ट करवाया से NaOH, तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया कि पहला मॉलिक्यूल एज इट इज लिखेंगे CH3CHO, और इस पहले वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले मॉलिक्यूल का एक अल्फा हाइड्रोजन पीछे ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। आगे बचता है CH2CHO, और जब हम इसे 400 केल्विन पे हीट करते हैं तो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होती है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे से एच निकल जाएगा, बीटा पे से ये ब्रैकेट वाला पूरा OH निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO विच इज ब्यूट टू इन अल, एंड दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज क्रोटोन एल्डिहाइड। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म। आई होप शॉर्टकट तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म में ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ दिस एल्डोल कंडेंसेशन, जो दो मॉलिक्यूल्स आप लेकर चलते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, आउट ऑफ दोज टू मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल बिकम्स अ न्यूक्लियोफाइल एंड अदर मॉलिक्यूल बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म में जो भी आप दो एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल्स लेते हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल पहले कार्बन आयन में कन्वर्ट होता है, दैट कार्बन आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और फिर वो कार्बन आयन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। देखिए गाइस इसे समझते हैं, लेट्स मूव ऑन द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप होता है NaOH, ये जो एल्कली आपने लिया है दैट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। याद रखिएगा OH नेगेटिव इज अ बेस, बेस इज समथिंग विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ब्रॉन्स्टेड ने बताया था ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, तो OH नेगेटिव H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने दो मॉलिक्यूल लिए ना, इसमें से कोई सा भी एक मॉलिक्यूल मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3CHO को, ध्यान से देखिएगा हम लिख कैसे रहे हैं। कैन वी राइट दिस CH3CHO एज CH2CHO, और इसका एक H मैंने ऐसे दिखा दिया, ये अल्फा कार्बन का एक H मैंने अलग से सेपरेटेड दिखा दिया। इसके पास हमारे एल्कली का OH नेगेटिव जो एक बेस की तरह एक्ट करता है वो आएगा। अब ये याद रखिए स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन एटम पे लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। CHO इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप देखिए जब यहां से H+ निकलेगा तो H+ के निकलने के बाद कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन के नेगेटिव को ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पीछे पुल करके स्टेबलाइज करेगा। सो ये रीजन होता है कि जिस भी अल्फा कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है उस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन एसिडिक हो जाते हैं, वो आराम से प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं। तो
क्योंकि इस अल्फा कार्बन के बराबर CHO लगा हुआ है, CHO इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो ब्रॉन्स्टेड पेस्ट मिला हमें फर्स्ट स्टेप में, ये OH नेगेटिव अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां से H प्लस को विड्रॉ करके ले आएगा, और जैसे ही OH नेगेटिव यहां से H प्लस को विड्रॉ करेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रख लेगा, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पे रह जाएंगे तो ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव CHO। दिस इज अ कार्बन आयन गाइस, एंड दिस विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि ये जो हमारा NaOH से मिलने वाला ब्रॉन्स्टेड बेस था, ये ब्रॉन्स्टेड बेस किसी एक मॉलिक्यूल के पास जाता है और उस अल्फा कार्बन पे से एक H पॉजिटिव को विड्रॉ करके ले आता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन आयन। अब आपको पता है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इट विल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम पॉजिटिव स्पीशीज, बीकर के अंदर ये नेगेटिव किसी पॉजिटिव को ढूंढेगा अटैक करने के लिए, तभी इसे नजर आएगा दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो हमने लिया था। तो देखिए थर्ड स्टेप में ये दूसरा मॉलिक्यूल, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड हो, और आपको पता है कार्बोनाइल पे चार्ज सेपरेशन ऐसे होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइलिक साइट है, ये मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो हमारा पहला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो चुका था वो अटैक करने आएगा, मैं इसके नीचे लिख देता हूं न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये पहले मॉलिक्यूल का कार्बन नेगेटिव चार्ज जब ये देखेगा कि इस कार्बन आयन कार्बन पे पॉजिटिव है, तो दिस कार्बन आयन विल मेक एन अटैक ओवर दिस कार्बन, ये कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस कार्बन पे अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट इस कार्बन की एक वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये कार्बन इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स में एक बॉन्ड को तोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या बनेगा, ये CH3CH ऊपर O नेगेटिव हो गया क्योंकि यहां पे एक बॉन्ड टूटा और उसके इलेक्ट्रॉनों पे चले गए, पाई बॉन्ड टूटा, सिग्मा रिटेन्ड है, इस कार्बन के आगे अटैक कर दिया इस CH2CHO ने, तो CH2CHO ये बना मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल पे वो प्रोटॉन आएगा जो OH नेगेटिव ने विड्रॉ करा था, या ये कह लीजिए कि जब ये OH यहां से H प्लस को विड्रॉ करके ले गया तो ये वाटर बना बीच में, वो वाटर हम यहां पे लिख रहे हैं HOH। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जब नेगेटिव हो जाता है तो ये उसी वाटर में से जो इस OH और H के कॉम्बिनेशन से वाटर बना था, ये ऑक्सीजन उसी वाटर में से H प्लस को वापस निकाल के ले आता है, और जब H प्लस यहां पे अटैक करेगा तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO, और हमारा OH नेगेटिव फिर फ्री हो जाएगा, OH नेगेटिव विल सेट फ्री, यानी कि ये एक बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है, इसमें बेस रिकवर हो जाता है एट द एंड। अब देखिए OH तो फ्री हो गया और H यहां चला गया, ये बन गया एल्डोल, ये देखिए मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल बन गया जो मैं आपको शॉर्टकट से बता रहा था, पहला मॉलिक्यूल एसिड है और पहले वाले के ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद तो गाइस इसे सिंपली हीट करना है 400 केल्विन पे, और जब आप इसे 400 केल्विन पे हीट करेंगे तो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा कार्बन पे से एच रिमूव होगा, बीटा पे से OH रिमूव होगा, और फाइनली ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। दिस इज ब्यूट टू इन अल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। आपको मैं एक बार फिर रिकॉल करवा दूं कि जब भी हम दो ऐसे मॉलिक्यूल लेते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है और उसे डाइल्यूट एल्केली की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इन दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल इनिशियली कार्बन आयन में कन्वर्ट होता है, दैट स्टार्ट एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, और फिर ये कार्बन आयन, ये न्यूक्लियोफाइल अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है। तो ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन वन मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अदर विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, और न्यूक्लियोफाइल ही इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बैक साइड अटैक करता है। सो स्टूडेंट्स, आई सपोज कि आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन का डिटेल्ड मैकेनिज्म समझ में आया होगा, बट स्टूडेंट्स एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट ओनली दिस मच,
एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक एक्सटेंशन होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पे तो हमने देखा कि हमने दो ऐसे मॉलिक्यूल लिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के थे। ऐसा भी हो सकता था गाइस कि हम दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल लेते, एक इथेनॉल ले लेते और एक प्रोपेनॉल ले लेते, दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन है, और जब इथेनॉल और प्रोपेनॉल लेते तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती। सो स्टूडेंट्स, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अपने आप में एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एज आवर लेक्चर नंबर 2 हम इस सीरीज के दूसरे वीडियो सेशन में कवर करेंगे। टिल देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस दिस एल्डोल कंडेंसेशन, और इसके बाद जब हम एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों कवर कर लेंगे तो मैं आप लोगों को इन एल्डोल और क्रॉस एल्डोल पे बेस्ड क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड।